इंडोनेशिया के माउंट रुआंग पर बुधवार से लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। यहां 24 घंटे में 5 बार वॉल्केनो फट चुका है। खतरे को देखते हुए रुआंग के आसपास के क्षेत्र में रह रहे 11,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा चुका है। डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों ने अगले 24 घंटे तक एयरपोर्ट बंद रखने का आदेश भी दिया है। वही ज्वालामुखी से बह रहे लावा और राख की वजह से सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। अल जजीरा के मुताबिक माउंट रुआंग पर पहला विस्फोट मंगलवार रात 9:45 मिनट पर हुआ। इसकी वजह से हजारों फीट ऊंचा लावा उठा और राख में फैल गया। इससे पहले 1871 में इंडोनेशिया में अब तक का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ।